दो तरह के भक्त हैं। देखिए सीधी सी बात है, एक आता है भाव से भगवान की शरण में और एक आता है दुनिया की, जग की, जगत की ठोकरें खा के। स्वीकार भगवान दोनों को ही करते हैं, दोनों को ही अपनाते हैं। खैर, जो स्वार्थवश नहीं भाव से भगवान की शरण में आए उस पर तो प्रभु एकदम रीझ ही जाते हैं, पर फिर भी ठोकर खा के भी आया तब भी भगवान को लगता है कि कम से कम आया तो, कहीं ना कहीं से इसको बुद्धि आई तो। और चाहे कितनी भी गलतियां की हो आपने, किसी ने पूछा कि भगवान में और संसारी में क्या फर्क है, तो कहा कि तुम्हारी एक गलती के बदले तुम्हारी लाखों अच्छाइयों को भूल जाए वो संसारी, और तुम्हारी एक अच्छाई की वजह से तुम्हारी अनेकों कमियों को जो भूल जाए वो है गोविंद, वो है भगवान। अगर भगवान गुणों पर ही रीझते तो हम जैसे खोटे सिक्के कभी नहीं चलते, कभी उन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कोई भक्त जब भगवान के पास जाता है तो भगवान का ध्यान केवल उसकी अच्छाइयों की ओर जाता है, उसके अवगुणों पर ध्यान नहीं जाता। तो क्या कहें उनके प्रेम के बारे में, कोई एक बार उनसे प्रेम करके तो देखे, एक बार कोई उनको अपना बनाकर तो देखे, वो सब लुटाने को तैयार है। भगवान कोई दुनिया के जैसे आपसे दावे नहीं करते कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। भगवान ऐसे झूठे वादे नहीं करते, पर हाँ, भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो एक बार मेरी शरण में आ जाए उसको हर कीमत पर बचाना ये मेरा दायित्व है, मैं फिर उसे छोड़ता नहीं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि एक बार भगवान पर विश्वास करके तो देखिए, भगवान पर विश्वास करके आंखों पर पट्टी बांध करके भी दौड़ो, भक्त कहते तो भी भगवान आपको गिरने नहीं देंगे। आंख पर पट्टी बंधी आप दौड़ रहे हैं तो भी गिरने नहीं देंगे, और अगर गलती से गिर भी गए तो पट्टी खोल के देख लेना, किसी गली गिरारे में नहीं गिरोगे, किसी तालाब में नहीं गिरोगे, सीधा जाकर के भगवान की गोद में गिरोगे। वो तैयार है कि तुम गिरो और वो संभाले।